Mama is going, no? Mama will come back so late. By the time Pinu will go off to sleep, na? Mama has to give a hug. Huggy to my beautiful and kind daughter. I love you, Pinu. क्या मुड़ के क्या है क्या उससे बोला आई लव यू पीनू मम्मा इज गोइंग समवेयर मम्मा विल बी बैक लेट सो यू कैन स्लीप ऑफ आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग ओके पीनू तुमको ऑलरेडी नींद आ गई क्या चीना मीनू पीना टाटा बोल दो सबको बाय बाय माय बेबी जाओ नीचे जाओ घूमी घूमी बाय बाय इतना सीख गए हो फ्लाइंग किस एंड ऑल हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ दिबीना डिकोड्स वैसे स्पेशल स्पेशल कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ हर एक दिन स्पेशल है मेरे लिए वैसे आज स्पेशल इसलिए भी है दैट वी आर अगेन गोइंग फॉर एन अवार्ड फंक्शन आज फेमिना अलोंग विथ मामा अर्थ देयर्स अ स्पेशल अवार्ड जहाँ पे यू नो पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा मी एंड गुरु बोथ आर इन्वाइटेड तो हम जा रहे हैं डोंट वरी सिर्फ हर एक बार की तरह एक अवार्ड फंक्शन दिखा के आप लोगों को बोर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब भी मेरे चैनल में आते हैं इट इज़ ऑलवेज अबाउट यू नो लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक इट्स नॉट जस्ट क्लियर व्लॉग कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ फन मस्ती धमाका ऐसा नहीं है मैं कोशिश करती हूँ कि आई टेल समथिंग और उससे काफ़ी लोग काफ़ी कुछ पिकअप करते हैं और आप लोग भी मुझे लिखते हैं बिकॉज आई रिमेंबर समबडी आपने मुझे मेल किया अबाउट अ पर्टिकुलर टॉय जो टमी टाइम के लिए मुझे दिविशा को देना है इट्स लाइक अ स्लाइड तो डक स्लाइड तो 3 डक विच विल स्लाइड डाउन तो इट्स समथिंग लाइक दैट और मैंने ऑलरेडी दिविशा के लिए ऑर्डर कर दिया है अमेजोन से सो आई रियली लव दिस ब्यूटिफुल गिव एंड टेक तो आज मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ सिर्फ आउटफिट पहनूंगी और चली जाऊंगी मेकअप इतना ही किया है मे बी आई जस्ट पुट अ लिटिल बिट मोर लिपस्टिक तो जो भी करूंगी ऐसे ही जस्ट होता है ना आप किसी से बात करते करते मेकअप कर रहे हो सो मेकअप करना मेरा प्रधान उद्देश्य नहीं है मेरा बात आप लोगों से करना उद्देश्य है सो आई थॉट आई विल गिव आई मीन डू दिस टॉकिंग सो व्हाइल आई विल टॉक आई विल ईट ऑल्सो एंड आई विल डू माई मेकअप ऑल्सो ईट में मैं पी रही हूँ सूप इट्स कॉल्ड चिकन एग ड्रॉप सूप इसमें चिकन नहीं है इसमें बोन ब्रॉथ है मतलब चिकन का जो ब्रॉथ है वो बनाया हुआ है 2 दिन से क्रॉक पॉट में बनाया मतलब स्लो कुकर में तो उसके हड्डी के अंदर का जो भी ताकत है वो पानी में आ गया उस पर मैंने एग को ड्रॉप कर दिया और बस नमक एंड काली मिर्च डाल के उसी को मैं खाती हूँ एज माई इवनिंग स्नैक सो बिफोर आई डू ऑल दोज थिंग्स मैं एक्चुअली कुछ शेयर करना चाह रही थी दैट यू नो प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है वो काफ़ी ब्यूटिफुल होता है आई मीन इट जस्ट मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन अ वुमेंस बॉडी सब कुछ अच्छा होता है स्किन अच्छा हो जाता है ग्लो करता है बाल अच्छे हो जाते हैं एकदम शाइनी घने बाल मेरे तो कितने लंबे हो गए थे बाल एंड आई वॉज प्रीटी मच इन्जॉइंग इट और प्रेगनेंसी के बाद भी आफ्टर दिविशा आई स्टार्टेड लैक्टेटिंग सो दैट मीन्स द हार्मोन वॉज वेरी वेरी गुड इन द बॉडी और जैसे जैसे मतलब 6 मंथ्स तो हो ही गया वैसे टेक्निकली मैं दिमाग से थोड़ा सा मतलब रेडी ही थी कि यू नो ड्यूरिंग लियाना आई डिड नॉट लैक्टेट एट ऑल बट फॉर दिविशा आई वॉज काइंड ऑफ रेडी कि ठीक है कुछ भी हो सकता है बट वेन आई स्टार्टेड लैक्टेटिंग I felt really, really good and the whole journey is so beautiful, I can't even explain. But right now, I think that pregnancy hormone is depleting. मैंने notice करना start किया कि I started getting major hair fall. आप देख सकते हैं I started getting hair, baby hair, यहाँ पर जो कभी नहीं थे यहाँ पर पूरा सफ़ेद हो गया था मतलब खोपड़ी दिखता था अब भी यहाँ पर भी काफ़ी छोटे छोटे बाल सब आने लग गए हैं एंड आई हैव डन लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टू इट दैट द प्रेगनेंसी हार्मोन स्टार्टेड डिप्लीटिंग सो आई स्टार्टेड गेटिंग हेयर फॉल
टच वुड माई स्किन डिड नॉट फील बैड बिकॉज मैं स्किन का हमेशा ख्याल रखती हूँ. कमिंग टू द मेन थिंग जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो मैंने सोचा मैं शेयर करूँगी, यू नो द जर्नी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज सो फुल ऑफ हाइज एंड लोज. इट इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल. जब शुरू होता है यू फील वाओ, आई मीन समथिंग ब्यूटिफुल इज हैपनिंग टू माई बॉडी. यू नो जो हमने सुना हुआ है, जो हमने हमेशा देखा हुआ है, दैट अ मदर वुड फीड द बेबी, इट जस्ट फील्स लाइक दैट. बट जब वो शुरू होता है इट जस्ट फील्स टेरिबल अगेन, बिकॉज इनिशियली इट इज़ वेरी हर्टिंग, बहुत ही दर्द होता है. मैंने एक भी ऐसे इंसान का नहीं सुना जिसने बोला कि वाओ फ्रॉम डे वन आई हैड लाइक अ केक वॉक. शायद एक आधी लोगों का होता होगा, बट इनिशियली आई वुड से इट्स वेरी हर्टिंग. यू गेट निपल सोनेस, द बेबी बाइट्स. साल भर तो दूर की बात है, 6 महीना भी हम मतलब इसको कंटिन्यू कर पाए तो बहुत बड़ी बात है. बट फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ और मे बी द सेकेंड मंथ इट जस्ट बिकम्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. धीरे धीरे आपका बॉडी यूज टू हो जाता है या ऐसा कुछ, वो मुझे नहीं पता, या फिर द होल प्रोसेस बिकम्स वेरी सीमलेस. आई मीन द मदर एंड द बेबी जस्ट मर्जेस एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. सो जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस टाइम पे, वेन यू नो द मदर लुक्स एट द बेबी, इट फील्स लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल विजन. वो शायद डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता. आई थिंक दैट इज़ सिमिलर टू अचीविंग गॉड. लेकिन कुछ लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है. आई मीन कुछ लोग, कुछ बच्चे थोड़े दिन के बाद बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा यू नो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन. मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने बेबी को फॉर्मूला या टॉप फीड देना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि जो पूरा न्यूट्रिशन हो वो मिले, पेट पूरा भरे. क्योंकि नॉन स्टॉप आपको बताया जाता है कि आपके दूध से पेट नहीं भरेगा, आपके दूध से पेट नहीं भरेगा. मे बी अगर मैं ये सारी बातें नहीं सुनती और मैं कंटिन्यू करती सिर्फ ब्रेस्ट फीड करना, तो शायद ये जर्नी और लंबी होती. बिकॉज आफ्टर टेकिंग टॉप फीड सडनली इट हैपन्स दैट द बेबी स्टॉप्स टेकिंग द फीड फ्रॉम यू, एंड दैट इज़ अगेन अ वेरी हर्टफुल यू नो सिचुएशन. बच्चा बाइट करता है, मुंह घुमा लेता है, नहीं लेता है, और ऐसे सारे सिचुएशंस होता है. और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं फील करते हो दैट द हॉर्मोन्स मे बी हैज स्टार्टेड decreasing and the milk has also started decreasing, because always it is not possible you know to pump and keep the milk. Hamesha pumping mein milk aata bhi nahi hai. To isi prakar by the fifth end month, fifth mid se dheere dheere the milk started reducing. Abhi to almost very very less. I'm just clinging on to the last bit of it. या आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है दैट यू नो यू विल नॉट बी एबल टू फीड योर बेबी एनी मोर. यू जस्ट फील सो लॉस्ट, सो लोनली. यू जस्ट फील ओ माई गॉड आई एम अलोन हियर. ये फीलिंग शायद ही कोई समझ सकता है, लेकिन ये फीलिंग समझ सकते हैं कुछ लोग जो वहाँ पे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त. क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग हैं who's going through the same journey or maybe the similar journey, and they will understand what I am going through. So yeah, I thought when jab ho hi raha hai, matlab when I am you know the pregnancy hormone jab body mein kami ho raha hai, it's you know like man ko samjhana. This is what I did. Man ko maine samjhaya that when the pregnancy hormone kam hi matlab is depleting, कम ही हो रहा है, एंड वाई नॉट प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट ऑन फिटनेस एंड डाइट. बिकॉज और तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना कि मैं एक्सरसाइज करूँगी तो यू नो लैक्टेशन कम हो जाएगा, मैं डाइट करूँगी तो लैक्टेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब और कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. सो इसीलिए सारे एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ के मैं धीरे धीरे वापस आ रही हूँ अपने प्रॉपर फिटनेस और प्रॉपर डाइट की तरफ. ये बस बात आप लोगों के साथ शेयर किया.
रेडी हो जाऊंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ लुक शेयर करती हूँ. इट वॉज जस्ट अ हार्ट टू हार्ट टॉक विच आई डिड विथ माई दिबीना डिकोड्स फैमिली. एंड वीडियो को देखते रहिए. ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी. ऑब्वियसली आई शो हाउ आई गॉट रेडी एंड मैं कैसी लग रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, पैंट सूट पहन रही हूँ. और वहाँ पे पहुँच जाने के बाद अगर कुछ ऐसा हो, यू नो, समथिंग वर्थ मेंशनिंग, तो मैं इस ब्लॉग को आगे दिखाऊंगी, नहीं तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगी. या आई लव यू गाइज. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हम लोग करते ही रहेंगे. अगर अभी आप लोगों को दिख रहा है तो यूजुअली मैं यही सब शूट करती हूँ, आज नहीं कर रही हूँ. आज हम लोग सिर्फ फोटो शूट कर रहे हैं. इट्स अ वेरी चिल्ड आउट जोन. पहले वाला ज्यादा अच्छा नहीं था. पहुंच जाएंगे वहां पे, वहीं से लेना, फिर वहां से देखूंगी बिट्स एंड पीसेस आप लोगों को दिखाऊंगी. हाउ एम आई लुकिंग फॉर अ चेंज बाय द वे. थैंक यू. ये आपकी जीविता दीदी ने बोला. जो गुरु का शूट चल रहा है पीछे, हम लोग को एक्चुअली इतनी आदत नहीं है ना ऐसे ये सब रील वूल शूट करने की. सिंपल सिंपल चीज़ें करते हैं, तो आज कुछ सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंटल करते हैं. तो मतलब मुझे लगता है कि अवार्ड फंक्शन हम घर पे ही देख लेंगे. पर नहीं, हमें जाना भी है. चलेंगे, जैसे गुरु का ये फिनिश हो जाएगा हम चलेंगे. A huge congratulations. When I invested in the company, we were valued at what, 35 crores, and today we're India's 2023's first unicorn. So inke bare mein yehi kehna chahunga ki they are transforming India's healthcare landscape by offering assistance, essential supplies, medical aid and other necessary resources to patients. तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गुरबीत चौधरी एंड दिबीना बनर्जी का. कंग्रेचुलेशंस गुरमीत. मैंने आपकी जर्नी, आपका ये पूरा जो आपने किया था स्पेशली लॉकडाउन में, हाउ डिड दिस थॉट कम इन द फर्स्ट प्लेस फॉर एवरीबॉडी टू स्टार्ट समथिंग. एंड आई थिंक लॉकडाउन में हम सब ने अपना लोएस्ट ऑफ द लो देखा और उसी दौरान हमने रियलाइज किया दैट एज अ सेलिब्रिटी हमारा एक कदम प्रोत्साहित करते हैं 10 कदम लेने के लिए एंड वन वॉइस ऑफ आर्स कैन एक्चुअली डू वंडर्स. So I know, even you know, we all of us know that हमारा एक ट्वीट या एक इंस्टाग्राम में पोस्ट गांव-गांव में बहुत सारी चीज़ें पहुंचा दे रही थी. गुरमीत जस्ट वेंट अ फ्यू स्टेप अहेड एंड ही वॉज लाइक, मैं घर पे नहीं बैठूंगा, मैं फील्ड में जाऊंगा और वहां जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है. एंड ही इन दैट सिचुएशन ही जस्ट लेफ्ट एंड ही वेंट टू प्लेसेस वेयर देयर वर पेशेंट्स एंड ही provided whatever was required from, I mean, it looked impossible at that time to bring things from out of the country and get it provided in different parts of our country, but he did it.